रूपम दोस्तों, कभी सेट पर सिगरेट पीने की वजह से बदनाम हुई तो कभी बिकनी में फोटोज को लेकर लोगों ने ट्रॉल किया, कभी काम की कमी ने दर दर ठोकरे खाने पे मजबूर किया, तो कभी घर के हालातों ने। इन सब के बावजूद सुमोना डगमगाई नहीं और आज इंडिया के बेस्ट कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो की एक परमानेंट कॉमेडियन है। दोस्तों, सुमोना चक्रवर्ती को भले ही पहचान बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल से मिली हो, लेकिन उन्होंने सक्सेस को पूरी तरीके से कपिल शर्मा के साथ चखा। जब पहली बार कहानी कॉमेडी सर्कस में उनको जोड़ीदार के रूप में कपिल शर्मा पार्टनर मिले। वैसे तो कपिल शर्मा के साथ श्वेता तिवाड़ी, मुक्ति सरगुन जैसी कई लड़कियों ने काम किया, लेकिन सुमोना में ऐसा क्या था कि कपिल ने फिर कभी सुमोना का साथ नहीं छोड़ा और कॉमेडी नाइट विद कपिल से लेकर द कपिल शर्मा शो के हर एपिसोड में वो कपिल के साथ दिखाई देती हैं। दोस्तों, वैसे कहा जाता है कि सुमोना चक्रवर्ती कपिल शर्मा के लिए बहुत लकी है और यही कारण है कि कपिल शर्मा उनको खुद से अलग नहीं करते। दोस्तों, इस बात में भले ही जितनी सच्चाई हो, लेकिन कपिल और सुमोना का ये रिश्ता सिर्फ लक या किस्मत पर नहीं टिका हुआ है। सुमोना चक्रवर्ती की इमेज भले ही टीवी चैनल और मीडिया ने थोड़ी सी डार्क बना दी हो, लेकिन सुमोना ने कपिल का साथ एक सच्चे दोस्त की तरह दिया है। कहानी कॉमेडी सर्कस से लेकर द कपिल शर्मा शो तक जब भी कपिल शर्मा की ज़िंदगी में परेशानी आई तो सुमोना ने हमेशा कपिल के साथ दिया और उसके साथ खड़ी दिखी। दोस्तों, आपको याद होगा जब कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का झगड़ा हो गया था तो कपिल इतने डिप्रेशन में आ गए कि उन्होंने खुद को शराब के नशे में डुबा दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई और शो को बंद करना पड़ा। ऐसे हालात में कपिल शर्मा शो के अन्य कलाकारों ने कपिल का साथ देने की बजाय उनसे खुद को अलग कर लिया। अली असगर, सुनील ग्रोवर, उपासना सिंह जैसे कलाकार जिनको कपिल ने तब काम दिया जब इनके पास न के बराबर काम था, ने कृष्णा अभिषेक के शो द ड्रामा कंपनी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि चंदन प्रभाकर भी कपिल से बेहद नाराज थे, पर उन्होंने भी किसी दूसरे शो को कभी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ जो कपिल के साथ खड़े रही वो थी सुमोना चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस समय कपिल शर्मा के इस विवाद से सबसे ज़्यादा फायदा उनके विरोधियों का था और वो कपिल शर्मा के हर कॉमेडियन को अपनी ओर करना चाहते थे। सुमोना को भी बहुत लालच और ऑफर दिए गए, लेकिन सुमोना ने किसी भी कीमत पर कपिल के अलावा किसी और के साथ काम करने से मना कर दिया। दोस्तों, जी न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में सुमोना से जब पूछा गया कि क्या आप भी अपने अन्य साथियों की तरह कृष्णा का द ड्रामा कंपनी ज्वाइन करोगी, तो सुमोना ने दो टूक शब्दों में साफ साफ कह दिया कि कृष्णा ने मुझे पहले भी कॉमेडी नाइट बचाओ के लिए ऑफर किया था, ना मैंने तब कृष्णा के साथ काम किया था और ना आगे करूंगी। दोस्तों, सुमोना के इस जवाब से जाहिर होता है कि सुमोना कपिल के साथ सिर्फ पैसों या शोहरत के लिए नहीं है, उनका रिश्ता प्रोफेशन पैसे से कई ऊपर है। जहां एक और अन्य कलाकारों ने सिर्फ प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस दी और दूसरे शोज में काम करने लगे, वहीं सुमोना ने ये सोचे बगैर कि क्या दोबारा कपिल शर्मा शो स्टार्ट होगा, साफ साफ कृष्णा को ना कर दिए। यही कारण है दोस्तों कि कपिल को भी एहसास है कि कौन कलाकार उनके साथ पैसे और पॉपुलैरिटी के लिए है और कौन वास्तव में उनका सच्चा साथी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।